हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक 10 ग्राम। दिस इज गिवन एज पेज नंबर 68 इन योर बुक। स्टूडेंट्स, दिस इज 10 ग्राम। व्हाट इज 10 ग्राम? 10 ग्राम इज अ ओल्ड चाइनीज पजल, लाइक अ पजल इन फ्लैट पीसेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मेड फ्रॉम द फ्लैट पीसेस ऑफ सम डिफरेंट शेप्स। ओके, सम डिफरेंट मीन्स कुछ अलग अलग तरीके की शेप्स को कंसिस्ट करके एक फॉर्मेट बनाया गया है। फिगर तरीके आप ले सकते हैं, जिन्हें ज्वाइंट करके बनाया गया है, इसे टैंक कहा जाता है। एंड दिस पीसेस आर नोन एज टैंक्स। दिस पीसेस आर नोन एज टैंक्स। ओके, मींस 10 ग्राम इज अ ओल्ड चाइनीज पजल कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट पीसेस ऑफ शेप्स आर कॉल्ड टैंक्स। एंड 10 ग्राम हैव 7 पीसेस। हाउ मेनी पीसेस? 7। बर्ड कैसे फॉर्म किया गया है? टेंस के यूज करके। सेकंड है, कैंडल फॉर्म किया गया है बाय यूजिंग द टेंस। थर्ड में ऑलरेडी 10 ग्राम दिया गया है। एंड क्रिसमस ट्री भी फॉर्म है। ये सारी शेप्स क्या है? बाय यूजिंग द टेंस मेक कर सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स, कोई भी शेप, बर्ड, कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड अबाउट टेंस? Now let's continue our exercise 4.5. First of all, open your book, page number 68, because exercise 4.5 can do only in your book. आप सिर्फ बुक में ही कर सकते हैं. ओके, एंड मैं अगर बोर्ड पे बताऊं तो वो भी क्लियर नहीं होगा. Now, first of all, open your mathematics book, page number 68. ओके, Now students, let's continue our exercise 4.5. ओके, these are flat pieces of the tens. Okay, these are the tens and these different shapes from it. Okay, now bird, this triangle is coincide with this figure, then we have to write 5. And ye shape kis shape ke equal hai? Look at the 10 gram figure and write 2 here, square, then write 4. And bigger triangle we can write here 6 and 7 and 1 for the smaller triangle. Okay, similarly in this question, above portion like parallelogram match with it, we can write here 2. Okay, already fill here square ke liye kya write karna hai? 4. Here smaller triangle and niche ek smaller triangle form hai, then स्मॉलर ट्रायंगल के लिए क्या राइट करेंगे? 3 and 5, बोथ आर द स्मॉलर ट्रायंगल एंड ग्रेटर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 6. ओके, ये 3 and 5, ग्रेटर ट्रायंगल इक्वल टू 6 एंड सेकंड ग्रेटर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 7. ओके, एंड फॉर द नंबर 1 दिस ट्रायंगल मींस टोटल आपको 5 ट्रायंगल्स मिलेंगे, 2 ग्रेटर एंड 2 स्मॉलर ट्रायंगल. ओके, this figure is already same as the 10 gram. We can write from here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, similarly in this question, both are the greater triangle, then write 1, 6 and 7. Okay students, here one more thing. In this question, match the colors. Like here 6, then according to the color we can write here 6. Here by mistake 7 write कर दिया मैंने, here 6. And blue color equal to 7. आप colors match करके write करेंगे तो ज्यादा better होगा. Red color 3. Okay.
सिमिलरली आप कलर्स मैच करके राइट करेंगे बेटर होगा. हियर ऑरेंज कलर ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1, 6. ओके, ब्लू कलर 7, रेड कलर 3. ओके, पर्पल 5, हियर पिंक 1. ओके, एंड स्क्वायर इक्वल टू 4. सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन स्क्वायर 4, पर्पल 5. ओके, एंड दिस शेप 2, ऑरेंज कलर आपका 6. स्टूडेंट अगर आप कलर मैच के करेंगे तो करेक्ट होगा. ओके, बट मेक श्योर कि फिगर सेम हो. ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होना चाहिए एंड अदर कोई फिगर ना हो. फॉर द रेड कलर वी कैन राइट हियर 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन 7 पीसेस 10 ग्राम सेट. 7 पीस 10 ग्राम सेट में कितने ट्रायंगल होते हैं. नाउ काउंट इट, 1 ट्रायंगल. ओके, 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल एंड 5 ट्रायंगल. हाउ मेनी ट्रायंगल्स, टोटल 5 ट्रायंगल्स आर हियर. ओके, इन 10 ग्राम सेट हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू हैव इन 7 पीस 10 ग्राम सेट. टोटल 5 ट्रायंगल्स. ओके, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ओके, नाउ थैंक यू.